कांग्रेस ने बीजेपी को दुरुस्त कर दिया। फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी वैसे ही बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन करने लगी। फिर भी कांग्रेस ने बीजेपी को दुरुस्त करते हुए कई तमाम लोगों से हटा दिया। बता दें कि कर्नाटक में जारी कांग्रेस घोषणा पत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई में बजरंग दल के साथ मिलकर शुक्रवार को राजभर में विरोध प्रदर्शन किया। हैदराबाद में भाजपा और बजरंग दल के नेताओं ने गांधी भवन पर हनुमान चालीसा पाठ कर एक रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के लोगों ने रोक डाला और कांग्रेस के कहने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदर्शन दुनिया भर में चल रहे हैं उसका विरोध करते हुए अभी यहाँ पे बजरंग दल पहुंच गए हैं और कहना है कि बजरंग दल वाले कांग्रेस को रोक रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी जय श्रीराम का नारे भी लगा रहे हैं जो बजरंग दल के हैं। बैरिगेट्स पर चढ़ गए जिसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को रोके जाने को लेकर निजामाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं पर तनाव व्याप्त हो गया। भाजपा नेताओं द्वारा सड़क पर हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बसो लक्ष्मी नारायण और राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य धनपाल सूर्य नारायण सहित 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगतियाल जिले में कांग्रेस के सांसद जीवन रेड्डी के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया और कांग्रेस घोषणा पत्र से बजरंग दल पर प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस से हिंदुओं से सार्वजनिक रूप में माफी मांगने की भी मांग की है। तो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस में चल रही है वैसे ही अब बीजेपी को भी लग रहा है कि हम भी प्रदर्शन करें, तो तमाम मुद्दा उठाते हुए चल रही है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।